सो हेलो लोग कैसे हैं आप सभी आई होप यू ऑल आर गुड और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये हमारा इनकम टैक्स का वन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम का हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं और आज हम रिवीजन करने वाले हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हम ज़्यादा एम से रिवीजन नहीं करेंगे बल्कि इसमें पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा पूरा लेक्चर आपका थ्योरेटिकल होगा ठीक है पूरा हमने एम को यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसके नहीं डाला है क्योंकि एम से इस वाले चैप्टर की बेसिकली पर्टिकुलरली जब बात करूँ कैपिटल गेन की तो यहाँ पर आपकी रिविज़न कम हो पाएगी एज कंपेयर टू लेक्चर चलिए तो स्टार्ट करते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस का अपडेट अपने फ़ोन पर ऑन द टाइम मिल पाए और आप ऐसे वीडियो का बेनिफिट यहाँ पे ले पाए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर देखिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी का यह बात यह कर रहा है यहाँ पर इसके डेटा को लिया गया है और असेसमेंट ईयर क्या होता है इसके अलावा आपका काउंटिंग ईयर फीबी एस ईयर ये सब आप जानते हैं बेसिक से टर्म्स हैं हम समझते हैं सबसे पहले कैपिटल गेंस uh, किसको बोलते हैं प्रॉफिट और गेंस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट आर कोल्ड कैपिटल गेन ठीक है कैपिटल गेन किसको बोला जाता है जब हम कोई भी अपनी कैपिटल एसेट को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे वन पर्सन टू अनदर पर्सन तो वो जिस उससे जो भी हमें गेन होगा वो हमारा क्या कहलाता है कैपिटल गेन यहाँ पर कहलाएगा एंड ये जो गेन है वो हमारा चार्जेबल होता है कौन से हेड में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड में इसको चार्ज किया जाता है और जो हमारे कैपिटल एसेट है कैपिटल गेन है उसको यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है एक हो पता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड अनदर वन इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो इसके दोनों पार्ट को अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में उससे पहले समझते हैं कि कैपिटल एसेट हमारी क्या होती है कैपिटल एसेट किसको बोला जाता है जिसको हम इंक्लूड करेंगे इसमें किस में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर राइट तो कैपिटल एसेट को डिफाइन किया जाता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी यानी कि यहाँ पे यह बोला गया है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कोई एसएससी ने हेल्ड करी है ठीक है किसी पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी जो उसने के द्वारा हेल्ड की गई है और उस प्रॉपर्टी को हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन में यहाँ पर चार्ज नहीं किया जाना चाहिए यानी कि वो हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड से यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए तो उसे हम क्या कहते हैं कैपिटल एसेट बोल देते हैं ठीक है थीक्या? और दूसरी यहाँ पे दू, दूसरे यहाँ पे एक और सिनेरियो है एनी सिक्योरिटी हेल्ड वाई ए एफ आई आई एफ आई आई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज़ इन्वेस्टेड इन सेस सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड अंडर सेबी एक्ट 1992 यानी कि यहाँ पे किसी भी एफ आई आई के द्वारा जो भी सिक्योरिटी में यहाँ पे आपके जो एक तरह से इन्वेस्ट किया जाता है सेबी एक्ट 1992 के अंदर तो उसको भी हम किस में डालते हैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में डालते हैं ठीक है कैपिटल एसेट तो हमने समझ ली अब समझते हैं कि कैपिटल एसेट में हमें क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए कौन से ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं जो हमें लगता है कैपिटल एसेट हैं बट वो कैपिटल एसेट हमारी होती नहीं है उनको हम कैपिटल एक्स एसेट से एक्सक्लूड यहाँ पे करते हैं राइट तो कौन कौन सी चीज़ें हैं सबसे पहली चीज़ है स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड हमारा कैपिटल एसेट नहीं होता है एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटी सिक्योरिटी रेफर टू यू नो कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ द दिस बिजनेस और प्रोफेशन यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि, कि किसी भी प्रकार का जो हमारा स्टॉक इन ट्रेड होता है वो आपका यहाँ पे कैपिटल एसेट नहीं होता है ठीक है और दूसरा आपका आता है पर्सनल इफेक्ट पर्सनल इफेक्ट मतलब दैट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी इनक्लूडिंग वियरिंग अपेरल एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाई द टैक्स पेयर और एनी मेम्बर ऑफ द हिज फैमिली डिपेंडेड ऑन हिम बट एक्सक्लूड यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी आपके ऐसे पर्सनल नेचर के जो भी आपकी एसेट हैं जिनको हम यूज करते हैं तो वो आपकी किस्म आएंगी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर चले जाएंगी क्या क्या वो चीज़ें हैं यहाँ पर देखते हैं पहला हमारा है ज्वेलरी ज्वेलरी डिफरेंट टाइप के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं राइट वो चाहे आपके गोल्ड्स के बने हों सिल्वर के बने हों प्लेटिनियम के बने हों या अदर जो हमने प्रीसीस मेटल के बनाए हैं और साथ ही कुछ हमारे प्रीसीियस मेटल्स स्टोन्स यहाँ पे होते हैं राइट जिसकी यहाँ पे जैसे अंगूठी बना ली जाती है जैसे पुखराज होता है अमेरिकन डायमंड होता है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो प्रीसीस स्टोन्स होती हैं तो उनको भी यहाँ पे जो कि पर्सनल यूज के लिए ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही अगर ट्रेडिंग की पर्पज से किया जाएगा तो कैपिटल एसेट में आएगा बट यहाँ पर बात है कि आप पर्सनल यूज के लिए उसको यू नो कंसिडर कर रहे हैं तो ये आपकी ज्वेलरी के टर्म्स में आएगा और इसको हमारे कैपिटल एसेट से बाहर रखा जाएगा ठीक है ये वियरिंग पर्पज़ से हमने बनाया है ट्रेडिंग के पर्पज़ से नहीं बनाया इस बात को ध्यान में रखेंगे सेकंड है प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन जिसकी मैंने अभी बात की वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर ठीक है ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना ये सब वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है थर्ड है आपका आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस डिफरेंट टाइप के आर्कोलॉजिकल कलेक्शन जो हैं यहाँ पे जै, जै, जैसे पुरातत्व विभाग के पास जो भी कलेक्शंस होते हैं उसको भी यहाँ पे क्या रखा गया है आउट ऑफ द कैपिटल एसेट यहाँ पे रखा गया है ठीक है क्योंकि यहाँ पे आर्कोलॉजिकल जो हमारे कलेक्शंस होते हैं उसकी यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो पाती है ठीक है ट्रेडिंग के लेने होते हैं उनको यहाँ पे म्यूजियम में स्टोर किया जाता है म्यूजियम में उसको रखा जाता है और अगर किसी के पास कोई अपने घर पे किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं तो वो उसके शौक के लिए रखी है उसने ना कि उसने बिजनेस करने के लिए रखी है ठीक है तो ये चीज़ें आपकी कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होती हैं ठीक है उसके अलावा ड्राइंग पेंटिंग्स ड्राइंग एंड पेंटिंग्स अगर आपने अपने पर्सनल हॉबीज़ uh, के लिए यहाँ पे बनाई हैं तो ये आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रहेंगी और किसी प्रकार का कोई भी अदर आर्ट है आपका वो भी आपके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रहेगा राइट तो ये चीज़ें थी जो कुछ हमारे uh, ये हमारी पर्सनल uh, जो हमारे यूज की थी वो थी अब नेक्स्ट आता है इसमें रूरल एग्रीकल्चर लैंड यानी कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी हमारी कैपिटल एसेट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया नॉट बीइंग बींग लैंड सिचुएटेड यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो हमारी इंडिया में रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो हमारी किस्में यहाँ पर नहीं सिचुएटेड होनी चाहिए विद इन जूरीडिक्सन ऑफ़ द म्यूनसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया कमेटी टाउन एरिया कमेटी कंटेनमेंट बोर्ड एंड विच हैव ए पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन टेन थाउजेंड तो ये कंडीशन है यहाँ पे ये लैंड सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए तो उस केस में हमारे पास जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो हमारी कैपिटल एसेट के नेचर से बाहर हो जाती है इसके अलावा स्पेसिफाइड बॉन्ड स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स हमारे जिसमें आता है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट गोल्ड बॉन्ड्स हैं नाइनटीन नाइनटीन सेवेंटी सेवन और सेवन परसेंट गोल्ड बॉन्ड हैं नाइनटीन एटी और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड होते हैं नाइनटीन ऐटी इश्यूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट्स तो ये जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं ये भी हमारे कैपिटल एसेट नहीं होते हैं उसके अलावा स्पेशल बी आर बॉन्ड्स स्पेशल बी आर बॉन्ड्स बेसिकली आपके जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे गवर्न किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं तो वो बॉन्ड आपके ये भी आपके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर होते हैं और साथ ही गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड का मतलब इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द गोल्ड मोनिटाइज मोनिटाइजेशन स्कीम 2015 तो ये आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड भी आपका आउट ऑफ द कैपिटल एसेट रहता है साथ ही आपके सोवेरन गोल्ड बोन स्कीम सवेरियन गोल्ड बोन स्कीम आपके बेसिकली क्या होता है जब आप आ, फिजिकली यहाँ पे गोल्ड को परचेज नहीं करते हो बल्कि आप ऑनलाइन गोल्ड को परचेज करते हो जैसे कि आपने पेटीएम पे देखा होगा या अमेजोन पे देखा होगा तो डिफरेंट टाइप के जो आपके यू नो you know, यहाँ पे कंपनीज हैं जो आ, ट्रेडिंग कराती हैं यहाँ पे तो ट्रेडिंग अब गोल्ड के टर्म्स में भी यहाँ पर ट्रेडिंग होने लगी है तो वर्चुअल गोल्ड होता है राइट तो आपके एक तरह से आप अपने आपके अकाउंट में यूनिट उसकी यहाँ पे आती हैं तो उस तरह से आप वर्चुअली गोल्ड को परचेज कर सकते हो तो ये इस तरह का जो गोल्ड आपने परचेज किया है वो भी आपकी कैपिटल एसेट के नेचर से बाहर रहती है ठीक है चलिए ये तो बात थी हमारी की कैपिटल एसेट में क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड रहती है यानी कि क्या क्या चीज़ें नहीं आती है तो वो सब हमने देख लिया चाहे एग्रीकल्चर लैंड की बात करें चाहे ऑर्नामेंट्स की बात करें चाहे आप आर्कोलॉजल आर्कोलॉजिकल जो आपके कलेक्शंस थे या चाहे आपके ड्रॉइंग्स की पेंटिंग्स थी ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं उसके बाद बात करते हैं जो हमने यहाँ पर देखा था कि दो टाइप का हमारा यहाँ पर कैपिटल गेन देखने को मिलेगा पहला होगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा हमारा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबसे पहले समझेंगे हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है जिसको हम एस टी सी जी भी बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेस पे यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सबसे फर्स्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन एसेट लाइक सी एस यहाँ पर सबसे पहले सी एर्स की बात की जा रही है सी एस में इक्विटी और फिर की यहाँ पे बात की जा रही है बेसिक सी विच आर लिस्टेड इन रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे बात की गई है वो शेयर जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहते हैं ठीक और ये लिस्टिंग की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करनी जरूरी नहीं है यदि आपने क्या किया है अपने स्टॉक को आपने जुलाई टेन टू थाउजेंड फोर्टीन से पहले आपने क्या करा है ट्रांसफ़र किया है तो उस केस में आपका अगर लिस्टेड ना भी है तब भी आपकी लिस्टेड वाली कंडीशन जो यहाँ पर अप्लाई होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड सिक्योरिटी लाइक डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूनिट ऑफ द यू टी आई एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स द पीरियड ऑफ द होल्डिंग टू बी कंसिडर ट्वेल्व मंथ्स ठीक है यहाँ पे बोला है कि आपके जो सीएस हैं पहली चीज़ तो अगर आपने सीएस को ट्रांसफ़र किया है जुलाई टेंथ ऑफ ट्वेंटी फोटीन से पहले तो आपने यहाँ पे आपको लिस्टेड होने की लिस्टेड सीएस की जरूरत यहाँ पे कंडीशन फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है अनलिस्टेड भी वो थे तब भी आपकी यही वाली कंडीशन यहाँ पे लागू होगी बट अगर 14 के बाद आपने किया है तो उस केस में आपके सीएस जो हैं इक्विटी और प्रेफरेंस की यहाँ पे बेसिकली बात है तो वो आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे लिस्टेड होने चाहिए उस केस में आपको ये जो एस टी सी जी की कंडीशन है वो आपके ट्वेल्व मंथ्स का यहाँ पे मिलेगा और वही ट्वेल्व मंथ्स आपका एस टी सी जी के अंदर कंसिडर किया जाएगा यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा ठीक है इसको इन सब चीज़ों को किस में कंसिडर किया जाएगा ट्वेल्व मंथ्स की यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा पीरियड में राइट इंस्टीड ऑफ थर्टी सिक्स मंथ थर्टी सिक्स मंथ छोड़ के ट्वेल्व मंथ के पीरियड में ये यह यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे ठीक है क्या क्या चीज़ें आ गई इसमें सी एस आ गए जो कि हमारे लिस्टेड होने चाहिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर कंडीशन नहीं दी है 2014 वाली ठीक है टेंथ ऑफ जुलाई 2014 से पहले है तो अनलिस्टेड भी आपकी ये कंडीशन फुलफ़िल करेगी राइट और उसके अलावा आपका यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिस्टेड सिक्योरिटी लाइक डिबेंचर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूनिट ऑफ यू जीरो कूपन बॉन्ड्स और ये आपके इनके पीरियड्स ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगी आपकी ट्वेल्व मंथ्स की यहाँ पर हो जाएगी ट्वेल्व मंथ की हो जाएगी तो इसको हम एस टी सी जी कंसिडर करेंगे ये तो बात थी हमारे सी एस की अब दूसरी बात आती है पीरियड ऑफ द होल्डिंग टू बी कंसिडर्ड एज ट्वेंटी फोर मंथ्स इंस्टीट ऑफ थर्टी सिक्स मंथ इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर ऑफ़ द कंपनी ऊपर हमने क्या कौन सी बात करी है जब हमारे शेयर लिस्टेड थे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में और यहाँ पे हमने इस सिनेरियो में बात कर रहे हैं जब हमारे शेयर अनलिस्टेड हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज में तो उस केस में हमारे ट्वेंटी फोर मंथ्स का यहाँ पे होल्डिंग पीरियड कंसीडर किया जाएगा यानी कि वो क्या माना जाएगा ट्वेंटी फोर मंथ्स का माना जाएगा जो ऊपर ट्वेल्व मंथ्स का हमने कंसीडर किया था यहाँ पे अनलिस्टेड के केस में बट कंडीशन ध्यान में रखना कि ये हमारे टेंथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन के बाद की कंडीशन होनी चाहिए उससे पहले की होगी तो चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है सेम कंडीशन होगी ट्वेल्व मंथ्स की राइट right? और उसके बाद यहाँ पर अनलिस्टेड के केस में ट्वेंटी फोर मंथ्स हो जाएगा इंस्टेड ऑफ थर्टी सिक्स मंथ ठीक है और इसके अलावा एक तो बात हुई अनलिस्टेड होनी चाहिए शेयर दूसरी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है लाइट लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास तो वो भी आपके इसी क्राइटेरिया में आएगी 24 मंथ्स के उसमें राइट तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे ट्वेंटी मंथ्स के क्राइटेरिया में उसके बाद है एनी अदर कैपिटल एसेट हेल्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर द पीरियड ऑफ नॉट मोर देन थर्टी सिक्स मंथ्स अगर कोई और इसके अलावा एसेट्स है जिसको कि आपने नॉट मोर देन थर्टी सिक्स मंथ यानी कि छत्तीस मंथ से ज़्यादा का पीरियड में आपने हेल्ड नहीं किया है तो वो आपके लिए क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी अगर उसका आप ट्रांसफर करेंगे उस प्रॉपर्टी को अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उससे जो गेन होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा राइट तो क्या क्या कंडीशन हो गई सबसे पहले तो शेयर्स की हो गई शेयर के केस में अगर लिस्टेड है अगर लिस्टेड शेयर को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस केस में आपको 12 मंथ्स के अंदर अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उससे जो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र से आपको गेन होगा वो एस टी सी जी कंसिडर किया जाएगा साथ ही अगर अनलिस्टेड की बात करते हैं या मूवेबल प्रॉपर्टी की हम या इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं लाइक लैंड एंड बिल्डिंग इस तरह की हम बातें कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो ट्वेंटी फोर मंथ्स के अंदर ट्वेंटी फोर मतलब दो साल के अंदर हम यहाँ पे जो ट्रांसफ़र करेंगे वो भी हमारा कंसीडर किया जाएगा कि इसमें एच के अंदर यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो भी कि हम ट्रांसफ़र से यहाँ पे गेन यहाँ पे ऑप्टेन करेंगे और उसके अलावा कोई और अदर एसेट इसके अलावा इन दो कंडीशन को फुलफ़िल करने के अलावा कोई और एसेट आपकी बस्ती है तो उस केस में आपके एक ही कंडीशन देखी जाएगी वो 36 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर 36 मंथ को क्रॉस कर गया तीन साल को क्रॉस कर गया तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा वो आपने 36 मंथ से पहले पहले आपने मतलब 36 मंथ से पहले आपने होल्डिंग किया होना चाहिए और उसको ट्रांसफ़र किया होना चाहिए तो उस केस में जो भी आपको गेन होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर बन जाएगा राइट तो ये कंडीशन थी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हमारा दो तरह से डिवाइडेड रहता है यानी कि इसके दो अलग अलग यहाँ पे बाइफेगेशन किया गया है एक तो किया गया है कि जब हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर रहता है सेक्शन ट्रिपल वन ए के अंदर ठीक है ये पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन हो गई जब हमारा सेक्शन ट्रिपल वन ए के अंदर यहाँ पर कैपिटल गेन कवर नहीं होता है। इसके अदर यहाँ पर बात की जाती है तो सबसे पहले बात करेंगे एच टी सी जी कवर्ड अंडर सेक्शन ट्रिपल ए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं एच टी सी जी अराइजिंग ऑन सील ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड इन द रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ चार्जेबल टू एस टी टी ठीक है यहाँ पर बोला गया है जो भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा आप सेल करोगे किसकी इक्विटी शेयर्स की जो आपके लिस्टेड थे कहाँ पर लिस्टेड थे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में थे तो उससे ठीक है उसमें से आप क्या करोगे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को माइनस करोगे तो उस उसके बाद जितना भी आपको गेन यहाँ पे होगा वो आपके चार्जेबल होगा अंडर दिस सेक्शन ट्रिपल वन ए के अंदर यानी कि इसके हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगेगा इसका रेट होता है फिफ्टीन परसेंट जब आपका कवर करेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक सेक्शन 111 सौ ए के अंदर तो 15% परसेंट के हिसाब से आपको एस टी सी जी यहाँ पर देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको यहाँ पे होगा और उस पर आपको जो यू नो you know, 15% परसेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा तो सबसे पहले कंडीशन क्या थी एस टी सी जी या सेल ऑफ इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर के सेल से यहाँ पे होना चाहिए और सी एस कौन से होने चाहिए जो कि हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे लिस्टेड थे और इसमें से आप क्या चार्ज करेंगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को चार्ज करने के बाद की बात है ठीक है सेकंड कंडीशन एस टी सी जी अराइजिंग ऑन सेल ऑफ़ यूनिट्स ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सोल्ड थ्रो ए रिकोगनाइज स्टॉक चेंज विच इज़ चार्जेबल टू एस टी टी यहाँ पर बोला है कि आपके जो आप क्या कर रहे हो अपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया वो इक्विटी वाले आपके सिक्योरिटीज़ में आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया क्योंकि यहाँ पर डेट वाले भी होते हैं इक्विटी वाले भी इक्विटी में आपको ग्रोथ मिलती है ठीक है तो अगर आपने इक्विटी ओरिएटेड म्यूचुअल फंड को सोल्ड किया है तो जो कि आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में थे तो भी आपको यहाँ पे एस टी सी जी ट्रिपल वन ए के अंडर आपको यहाँ पे रखा जाएगा और जिसके जो कि चार्जेबल होगा एस टी टी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी इस पर चार्जेबल होगा ठीक है थर्ड कंडीशन एस टी सी जी अराइजिंग ऑन सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट यानी कि बिज़नेस ट्रस्ट के यूनिट्स अब जब आप सेल करोगे तो भी आपके ये सेक्शन ट्रिपल वन ए के अंदर यहाँ पे चार्ज होगा लास्ट टाइम हमारा एस टी सी जी अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी सीअर्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थ्रू आउट स्टॉक एक्सचेंज, लोकेटेड इन एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एंड कंसिडरेशन इज पेड और पेबल इन फॉरेन करेंसी इवन इफ ट्रांजेक्शन्स इफ सेल इज नॉट चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ठीक है तो ये कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि जो कंडीशन हमने ऊपर पढ़ी है वही यहाँ पे दोबारा रिपीट की गई है कि आपके कहाँ कहाँ पे आपके चार्ज किए जाएंगे तो ये कंडीशंस कुछ थी हमारी जो कि आपकी आएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन वन 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 ए के अंदर ठीक है अब बात करते हैं कौन से ट्रांजेक्शन्स आपके यहाँ पे सेक्शन ट्रिपल वन ए के अंदर नहीं आएंगे इसके अलावा जो कवर किए गए हैं इसके अदर जो कवर किए गए हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट है एस टी सी जी अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी से अदर देन थ्रू ए रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज ट्रिपल वन ए के अंदर हमने क्या बात करी थी कि वो आपके रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज में होने चाहिए लिस्टेड बट यहाँ पे बात करी गई अगर अनलिस्टेड है यानी कि लिस्टेड नहीं है हमारे रिकॉगनाइज स्टॉक एक्सचेंज में तो वो आपके सेक्शन ट्रिपल वन ए के अदर यहाँ पे आ जाएंगे उसके अलावा एस टी सी जी अराइजिंग ऑन द सेल ऑफ सीयर्स अदर दैन इक्विटी सी यहाँ पर बोला है अगर अदर दैन इक्विटी सीयर्स हैं तो उस केस में आपकी जो ट्रिपल वन ये वाली कंडीशन है उसके अदर वाली कंडीशन में आपको यहाँ पर चार्ज किया जाएगा थर्ड एस टी सी जी अराइजिंग ऑन सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ द नॉन इक्विटी ओरटेड म्यूचुअल फंड ऊपर जो हमने बात करी थी सेक्शन जबकि कवर करता है सेक्शन ट्रिपल वन ए के अंदर तो उसमें हमने बात करी थी जब आप सेल करोगे म्यूचुअल फंड के यूनिट को जो कि आपके होंगे इक्विटी ओरिएंटेड फंड होंगे आपके बट यहाँ पे बात की जाएगी जब आपके फ़ंड कौन सा है नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड है यानी कि वो आपका कैसा है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड है जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे डेट वाली भी आपकी स्कीम रहती हैं इक्विटी वाली भी आपकी स्कीम रहती है इक्विटी में आपको डायरेक्टली ग्रोथ मिलती है ठीक है और डेट में आपको रेगुलर यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा और जबकि डेट जो इक्विटी है उसमें आपको एक साथ यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है ठीक है तो ये यह यहाँ पे डिफरेंस होता है अगर बात करी जाए इक्विटी ओरिएंटेड की तो वो कवर करेगा त्रिपल वन ए वाले सेक्शन को बट यहाँ पे बात की जाए डेट ओरिएंटेड यानी कि नॉन इक्विटी ओरिएंटेड तो वो कवर करेगा अदर देन ट्रिपल ए कंडीशन ऑफ एस टी सी जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओके उसके बाद है एस टी सी जी ऑन डिवेंचर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये भी आपके अदर आएंगे किससे त्रिपल वन ए से फिफ्थ है एस टी सी जी ऑन सेल ऑफ एसेट्स अदर देन सी एस यूनिट लाइक एस टी सी जी ऑन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा तो ये आपके आ जाएंगे किसमें आपके जो आपने दूसरा सेक्शन पढ़ा था अदर देन ट्रिपल वन ए सेक्शन ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट जो हमारा है टैक्स रेट्स ऑफ द एस टी सी जी यानी कि एस टी सी जी के जो टैक्स रेट होते हैं टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका आपकी एस टी सी जी कवर करती है त्रिपल वन ए वाले सेक्शन को तो आपको फिफ्टीन परसेंट के यहाँ पे टैक्स रेट से आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा एस टी सी जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स पड़ेगा फिफ्टीन परसेंट प्लस सेस सेस हमारा कितना चल रहा है अभी फोर परसेंट करेंटली चल रहा है जिसमें हमारे एजुकेशन सेस प्लस हमारा क्या हेल्थ सेस यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है जो कि आपका पहले कितना था थ्री परसेंट यहाँ पर था तो इस केस में अगर आपका टैक्स अगर आपका जो एस है वो आपका कवर करता है किसको ट्रिपल वन ए वाले सेक्शन को तो उस केस में आप क्या करोगे अपने फिफ्टीन परसेंट के रेट से आप चार्ज करोगे राइट और नॉर्मल एस टी सी जी एस टी सी जी अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन वन वन ए अगर आपकी सेक्शन ट्रिपल वन ए कवर नहीं करता आपका एस टी सी जी तो उस केस में नॉर्मल जो टैक्स रेट है उस रेट से आपको यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा बट जो फिफ्टीन परसेंट की रेट लिमिट यहाँ पे टैक्स की जो लिमिट दी गई है वो दी गई है आपके सेक्शन त्रिपल वन के अंदर अगर कवर होता है तो वो वाली ट्रांजेक्शन जो हमने देखी थी सेक्शन ट्रिपल वन ए के अंदर तो वो अगर ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उससे अगर आपको उसके ट्रांसफर करने से आपको यहाँ पे कैपिटल गेन होता है बल्कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तब आप 15% परसेंट के रेट से यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करेंगे ठीक है और यहाँ पे नोट दिया गया है एनआरआई जो होते हैं आपके उनसे अगर कैपिटल गेन और अप्लीके बेसिक एक्सिपेशन लिमिट एन के केस में यहाँ पे क्या होता है उसको भी देख लेते हैं ओनली ये रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट एच यू एफ कैन एडजस्ट द एगजशन लिमिट अगेंस्ट एस टी सी जी कवर्ड अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए यानी कि जो आपका एन आर आई है वो यहाँ पे त्रिपल वन ए के अंदर यहाँ पे कवर नहीं हो पाएंगे इसके अंदर इनको एग्जम्पन नहीं दी जाएगी दस इज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एच यू एफ कैन नॉट एडजस्ट द एगज्शन लिमिट अगेंस्ट एस टी सी जी कवर्ड अंडर सेक्शन ट्रिपल वन एनि कि त्रिपल वन ए के अंदर जो भी आपका सेक्शंस दिए गए हैं उनकी यहाँ पे एग्जेपन की जो लिमिट है वो आपके बेनिफिट नहीं मिलेगी किसको जो आपके एन हैं इंडिविजुअल या एच दोनों को नॉन रेजिडेंट है जो उनको यहाँ पे नहीं इसके एग्जामशन की यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जाम्स इज अवेल अवेलेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजल एच यू एफ नॉन रेजिडेंट कैन नॉट अवेल द बेसिक एग्जम्पन्स लिमिट यहाँ पर बोल दिया गया है वही कि आपके जो एन आर आई हैं वो यहाँ पर अवेल नहीं कर सकते जो बेसिक एग्जम्सन लिमिट है उसको यहाँ पर अवेल नहीं कर पाएंगे ये सिर्फ किसके लिए दिया गया है ये फैसिलिटी आपके जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उनके लिए ये, ये बेनिफिशियल रहेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की हमने बात कर ली अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमने कंडीशन दो तरह की पढ़ी थी एक तो 24 मंथ्स की पढ़ी थी अगर आप एसेट को होल्ड करते हो 24 मंथ्स के लिए तो उस समय आपकी कौन कौन सी कंडीशन हैं जिसमें आपको एस टी कंसिडर किया जाएगा और एक हमने पढ़ा था ट्वेल्व मंथ्स का राइट तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सिर्फ आप एक ही यहाँ पर जो कंडीशन है वो देखेंगे

जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स पड़ेगा वो पड़ेगा आपको ट्वेंटी परसेंट के रेट से यहाँ पे टैक्स चार्ज किया जाएगा ठीक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितना था हमने कहा था कि अगर वो ट्रिपल वन ए वाले सेक्शन को यहाँ पे सेटिस्फाई करता है उसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन आती है तो 15 परसेंट के हिसाब से आप टैक्स का पेमेंट करेंगे बट अगर इस सेक्शन के अदर कोई है तो नॉर्मल जो रेट चार्ज करेगा जो इनकम जितनी आपकी कैलकुलेट होगी उस हिसाब से आपका जो टैक्स का पेमेंट है वो यहाँ पर किया जाएगा राइट आई होप इतना क्लियर है आप समझते हैं कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है एल की कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे की जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट को आप कैसे यहाँ पे निकालेंगे और कितना उस पर टैक्स देना है वो कैसे आपको पता चलेगा सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे परचेज प्राइस आफ्टर इंडेक्सिंग यहाँ पे आपका आ जाएगा जो आपने खरीदा जिस वैल्यू पे आपने खरीदी वो वैल्यू आ जाएगी यानी कि परचेज प्राइस आपकी आ जाएगी आफ्टर इंडेक्सिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी इंडेक्सिंग क्या होती है अभी उसको मैं समझाता हूँ इंडेक्सिंग बेसिकली आप ये समझ लो कि इन्फ्लेशन रेट को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है यानी कि कितनी जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने 1992 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी अगर वो उस समय दो लाख रुपए की थी बाई चांस क्या वो आज भी दो में भी दो लाख की ही होगी ठीक है क्या दो लाख की होगी ये प्रॉपर्टी नहीं क्योंकि इसका रेट बढ़ गया होगा ना तो किससे वाई इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई तो उस वजह से इसके क्या हो गए रेट भी यहाँ पे पड़ गए इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर इंडेक्सिंग की जाती है यानी कि बेस प्राइस के साथ जिस समय आपने ख़रीदा उस समय के बेस प्राइस के साथ कंपेयर करके उसकी जो जो फेयर मार्केट वैल्यू है अभी की उसको कैलकुलेट किया जाता है और उस पर यहाँ पे टैक्स भी चार्ज किया जाता है ठीक है क्योंकि जो आपने पहले यहाँ पे तीन साल से क्योंकि तीन साल के बाद की यहाँ पे बात करती है जो एल है वो और उस केस में अगर आप देखेंगे तो अगर आपने दस साल पहले कोई एसेट खरीदी है तो आज उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ठीक है तो इस केस में यहाँ पे इंडेक्सिंग की जाएगी इंडेक्सिंग कैसे की जाएगी वो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे पहली वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या परचेज प्राइस की उसके बाद सेकंड अगर एक्सपेंसेस हैं कोई एक्सपेंसेस आपने आपने यहाँ पे बीयर किए हैं तो उसकी भी इंडेक्सिंग आ जाएगी और साथ ही आपकी रिपेयर कॉस्ट अगर है कोई रिपेयर कॉस्ट आपने इनकर्ड की है तो उसकी भी इंडेक्सिंग कॉस्ट आएगी और साथ ही यहाँ पे रिपेयर वन टू थ्री जो भी आपकी है अलग अलग, अलग रिपेयर है तो सारे की आप क्या करोगे इंडेक्सिंग करोगे इंडेक्सिंग कैसे करते हैं उसको अभी देखेंगे रिपेयर को बेसिकली इम्प्रूवमेंट कॉस्ट भी बोल दिया जाता है ठीक है इसको अलग जो आप बुक में देखेंगे कहीं पर इम्प्रोवेंट इम्प्रूवमेंट कॉस्ट भी आपको लिखे दिख, दिख जाएगा यहाँ पर रिपेयर कॉस्ट की जगह पर तो बात आपकी एक ही पड़ती है ठीक है तो टोटल आपकी यहाँ पर निकल के आएगी टोटल इंडेक्स्ड रिपेयर कॉस्ट ये आपकी यहाँ पे निकल के आएगी अगर आप क्या करेंगे इस वाले में से परचेज प्राइस में से अपनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और जो एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी आप क्या करेंगे इसमें से टोटल जो आपकी ये आई ना इतनी अमाउंट आई आप इसमें से आप क्या करोगे कॉस्ट जो आपकी परचेज प्राइस है उसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल के आएगी ठीक है टोटल कॉस्ट निकल के आ गई तो उसके बाद आप क्या करोगे इसमें से लेस करोगे जो एग्जम्पन्स दी जाती हैं यहाँ पे अलग अलग एग्जम्पन्स दी जाती हैं अंडर सेक्शन 54 उसकी यहाँ पे अभी डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे 54 अलग अलग होता है 54 के अलावा 54 बी होता है 54 डी होता है 54 फ़ोर ई सी होता है 54 अलग अलग यहाँ पे सेक्शन है उसकी यहाँ पे डिस्कशन अभी करेंगे अच्छा हमने यहाँ पे एग्जेपन्स दे दी तो उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आ गई यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगी अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमें टैक्स देना पड़ेगा टैक्स कितने के रेट से जो मैंने बताया भाई ट्वेंटी परसेंट के रेट से आपको यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पे सेस भी जोड़ जाएगा यहाँ पे सेक्स थ्री परसेंट नहीं ये फोर परसेंट का सेस है ये सेस भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा और लास्ट में आपके टोटल कैपिटल गेन टैक्स आपका यहां पे निकल के आ जाएगा तो इस तरह से आप क्या करते हैं अपनी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन यहां पे कैलकुलेट करते हैं और कितना टैक्स आपने देना है वो आप यहां पे कैलकुलेट करते हैं ठीक है अब यहां पे बात करी है इंडेक्सेशन का क्या मतलब है इंडेक्सेशन का मतलब यहाँ पे है जो आपकी इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन के रेट को इन्फ्लेशन को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए उसको कंसीडर करने के लिए ही यहाँ पे इंडेक्सिंग की जाती है ठीक है वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है अब फॉर्मूले पे चलते हैं सीधे और ये फार्मूला है आपका इंडेक्सेशन करने का यानी कि इंडेक्सिंग आप कैसे करेंगे उसके लिए आप देखो सबसे पहले क्या करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में आपने एसेट को परचेज किया उसकी कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी उसको मल्टीप्लाई करना है आपने किससे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ़ द प्रॉपर्टी यानी कि जब भी आपने क्या किया अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया उस ईयर का इंडेक्स यहाँ पर क्या था ये इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पर इस पूरे को डिवाइड कर देंगे आप कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन उस ईयर का इंडेक्स क्या था जब आपने उस एसेट को परचेज किया ठीक है तो ये आपका निकल के आ जाएगा जो आपके इंडेक्सेशन का ये आपका अमाउंट निकल के आएगा अब यहाँ पे बात आएगी कि जब आपने ये तो आ गई जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात अगर यहाँ पर बोला जैसे कि मैंने बोला ना कॉस्ट ऑफ रिपेयर की बात भी बोला उसको भी इंडेक्सिंग हमें करनी पड़ेगी तो कुछ नहीं करना है आपको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आता है उसको यहाँ पे इसकी जगह पे आपको कंसीडर कर देना है बाकी का फॉर्मूला आपका बदलने वाला नहीं है पूरा सेम रहेगा ठीक है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड कर देंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन तो आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आफ्टर इंडेक्सिंग ठीक है ये क्या निकला था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आफ्टर इंडेक्सिंग ये आपका अमाउंट निकला था एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल मैंने दो लाख की एक एसेट खरीदी है ठीक है दो लाख की एक एसेट खरीदी और अभी जब मैंने ट्रांसफ़र किया मैंने उसको अभी भेज दिया मैंने अभी ट्रांसफ़र किया एक साल पहले तो उस समय मान लेते हैं कि उसकी वन ट्वेंटी यहाँ पर क्या थी इन्फ्लेशन रेट था इंडेक्स दिया था इंडेक्स हर साल का दिया रहता मैंने टेबल डाली है उसकी अभी आप देखोगे और जब मैंने परचेज़ किया तो उस साल में उसकी इंडेक्स हंड्रेड की थी तो मेरा प्राइस क्या निकल के आएगा निकल के आएगा टू लैक्स फोर्टी थाउजेंड ठीक है क्योंकि मैंने जब परचेज किया था तब उसकी इंडेक्स प्राइस कम थी अभी इंडेक्स प्राइस बढ़ गई है तो ऑब्वियसली मेरी एसेट की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी जो दो लाख की लग रही थी वो दो लाख चालीस हजार उसका आज रेट हो गया इस तरह से यहाँ पे इंडेक्सिंग यहाँ पे की जाती थी ऐसे ही आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो आपने इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया दस साल पहले आपने इंप्रूवमेंट पर जो खर्चा किया क्या आज भी उतना ही इम्प्रूवमेंट पे खर्चा हो जाएगा जो आप जैसे आप देख लो जैसे गाड़ी की बात है गाड़ी पे जैसे आपने पहले टायर गाड़ी का टायर आप परचेज करते थे तो वो कितने का आता था और आज आप गाड़ी का जब टायर परचेज करते हैं तो वो कितने का आता है कितना डिफरेंस यहाँ पे है तो यही आपका इंप्रूवमेंट की जो आपका इंडेक्सन है इंडक्शन के जरिए आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो अभी की जो फेयर वैल्यू चल रही है ठीक है ये फॉर्मूला इसका था अब यहाँ पे डिफरेंट ईयर के ये अब मैंने वो दे दिया आपको टेबल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे रखा है आप अलग अलग तरह के देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 2001 हजार दो का दो है यहाँ पे और दो हज़ार का यहाँ पे 105 है तो इस तरह से आपको अलग अलग साल का दिया है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है ये आपको मिल जाएगा 2021 तक यहाँ पे जो रेलेवेंट है उसको एक याद करने वाला आप इस दो साल का याद कर सकते हो जो पूछा जा सकता है एग्जाम में यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपका इंडेक्स 2021 का क्या था या 2021 22 का क्या था तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पहले यहाँ पर पूछा जा चुका है एक बार ठीक है बाकी चीज़ें आप यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है इनको ये रिलेवेंट आपके लिए नहीं है बस ये कैलकुलेशंस के लिए आपको देखना पड़ेगा अब ज़्यादातर अगर कैलकुलेशन निकालने को आ गई तो वहाँ पे आपको इंडेक्स यहाँ पे दिया रहेगा ठीक है करंट ईयर का आपको याद करना पड़ेगा जैसे आप सेल करेंगे तो सेल तो आप अभी प्रेजेंट में करेंगे लेकिन जो बेस ईयर का इंडेक्स है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा चलिए अब देखते हैं टैक्स रेट्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो तो हमने देख लिया बेसिकली जो टैक्स रेट है वो आपका ट्वेंटी परसेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सेल ऑफ़ इक्विटी सी एस एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हैल्ड फॉर मोर देन वन ईयर ऑन द आफ्टर बिफोर अप्रैल फर्स्ट ऑफ ट्वेंटी एटीन विल बी चार्ज एड टैक्स ऑफ टेन परसेंट प्लस है फोर परसेंट ये तो हमने देख लिया कि आपके जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात थी यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स की बात की थी सी एस की बात की थी तो वो आपके टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट आपके यहाँ पे सेस से यहाँ पे चार्ज किए जाएंगे और यहाँ पे बता बोला गया है कि 2018 के बजट में ये सेस को बढ़ा दिया था तीन परसेंट से यहाँ पे चार परसेंट कर दिया गया था और अगर आप बिफोर फाइनेंशियल ईयर एटीन नाइनटीन ऑल द एस यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ट्रांजेक्शन इक्विटी सी एस एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हेल्ड वाई मोर देन वन ईयर आर एग्जैमटेड यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हैं किस पे इक्विटी सी एस इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और इस पे हैं तो आपने फाइनेंशियल ईयर से पहले कौन से ईयर 2018-19 से पहले तो ये एस जितने भी आपके ये एग्जेप्टड रहेंगे ठीक है इन पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा ठीक है इसकी आपको एक तरह से छूट मिल जाएगी और उसके अलावा बोला है नो इंडेक्शन बेनिफिट विल बी अलाउड ऑन सच ट्रांजेक्शन यानी कि जो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की एसेट होगी यानी कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने पर आपको गेन होगा तो उसमें आपको इंडेक्सिंग की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी वो सिर्फ मिलेगी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में राइट यही चीज यहाँ पे बोली गई है और फिर लास्ट में है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स देन सेल ऑफ एस डी पेड इक्विटी सीर्स और म्यूचुअल फंड्स और प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस और बिजनेस ट्रस्ट आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट यहाँ पर इनको बोला है कि इनको एक्सक्लूड किया गया है ठीक है ये चीज़ों को यहाँ पे अदर देन बोला है उस पर आपको कितना पड़ेगा ट्वेंटी परसेंट पड़ेगा बाकी अगर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए के अंदर आता है तो आपको फिफ्टीन परसेंट का टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा ये यह हमने यहाँ पे देख लिया था अब यहाँ पे बात आती है कुछ हमारे एग्जमटेड सेक्शंस हैं जिसमें आपको कैपिटल गेन के अंदर आपको एग्जम्प्टे 54 सेक्शन यहाँ पे बेसिकली ये दिया गया है अंडर सेक्शन 54 और 54 को ही वाईफरगेड यहाँ पे किया गया है यानी कि इसके सब सेक्शन यहाँ पे बना दिए गए हैं जैसे कि आपको 54 है 54 फोर है 54 फोर एफ़ है 54 फ़ोर डी है ठीक है तो ये अलग अलग तरह के इस फिफ्टी जी है तो ये अलग अलग आपके सेक्शनस हैं इसमें मैंने तीन सेक्शन को ही लिया है जो कि आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से रिलेटेड हैं और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन हैं अभी जो कि आपके शॉर्ट टर्म से भी हैं और लॉन्ग टर्म से भी हैं कुछ ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म में भी होते हैं लॉन्ग टर्म में भी आपको डिडक्शन्स मिल जाती है यानी कि एग्जाम्पन्स मिल जाती है तो उसकी पूरी लिस्ट मैं डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर ठीक है टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पी भी मिल जाएगी और साथ ही वो डिडक्शन्स की जो एग्जम्पन्स की है उसकी पूरी यहाँ पर फाइल आपको मिल जाएगी वहाँ पे कौन इसके लिए टैक्सेबल है कौन कितना टैक्स यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा और कितनी एग्जेपन्स यहाँ पे मिलेगी कितना एग्जेपन मिलेगा तो उसकी कंडीशंस क्या रहेंगी तो ये सब चीज़ें उसमें दी गई हैं आप वहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल का तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए राइट चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पन्स ऑन सेल ऑफ लैंड एंड हाउस ठीक है चलिए पहला सेक्शन है सेक्शन 54. अब सेक्शन 54 कौन क्लेम कर सकता है तो दो लोग कर सकते हैं एक इंडिविजुअल क्लेम करेगा या एच यू एफ यहाँ क्लेम कर सकता है और इसके बाद ये किस चीज़ के लिए मिलेगा आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सोल्ड किया है आपने अगर तो उस केस में आपको एग्जम्पन्स मिलेगी सेक्शन 54 के अंदर और यहाँ पे बोला है कि आपके जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होनी चाहिए वो टू इयर्स की यहाँ पे होनी चाहिए दो साल आपने कम से कम उसको होल्ड किया होना चाहिए प्रॉपर्टी को अब यहाँ पे एक चीज़ और बोली है कि आप जब एसेट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया इनकी एसेट आपने बेच दी पुरानी एसेट कौन सी एसेट बेची आपने हाउस प्रॉपर्टी ठीक है रेजिडेंशियल हाउस को आपने बेचा है उसके बाद आप क्या करोगे दूसरा रेजिडेंशियल हाउस आपको यहाँ पर खरीदना पड़ेगा न्यू एसेट्स टू बी एक्वायर न्यू रेजिडेंशियल हाउस अगर आप ख़रीदते हो तो ही आपको इसमें एग्जाम्स दी जाएगी और कब आपको खरीदना है उसकी यहाँ पे लिमिट भी दे रखी है अगर आप न्यू हाउस बना हुआ घर खरीदते हो तो आप क्या करोगे जब भी आपने ट्रांस ट्रांसफ़र की है एसेट जब भी ट्रांसफ़र की उससे एक साल पहले या उससे दो साल बाद ये आपकी लिमिट है जब भी आपकी एसेट ट्रांसफर जब भी आपने अपने रेजिडेंशियल हाउस को ट्रांसफ़र किया यानी कि बेचा उससे एक साल पहले या उसके एक साल बाद आपको अपने लिए एक नया जो रेजिडेंशियल हाउस है उसको परचेज करना मैंडेटरी होगा और अगर आप नया घर खरीद नहीं रहे हो उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसको बना रहे हो तो उस केस में आपको तीन साल का टाइम मिलेगा जब भी आपने एसेट को ट्रांसफ़र कर अपनी प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफ़र किया तो उसके बाद आपको आगे के तीन साल में उस घर को नए जो घर है उसको आपको कंस्ट्रक्ट करना मैंडेटरी होगा तभी आपको ये ये एग्जेपन यहाँ पे मिल पाएगी ठीक है और एग्जेपन्स की अमाउंट कितनी मिलेगी जितनी आपने टोटल इन्वेस्ट किया और जितना आपका टोटल कैपिटल गेन हुआ दोनों में से जो आपकी कम होगी वो आपकी क्या कहलाएगी वो आपकी लिमिट एग्जेम्पन्स में मिल जाएगी फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया आपने नए एसेट परचेज करने के लिए दो करोड़ रुपए का यहाँ पे अमाउंट लगाया तो इन्वेस्टमेंट आपने कितने कर ली दो करोड़ की कर ली और कैपिटल गेन आपको कितने का हो गया उसमें पचास लाख का कैपिटल गेन हो गया ठीक है तो आपको जो एग्जम्पन्स मिलेगी वो मिलेगी पचास लाख रुपये की ठीक है तो ये विच एवर इज़ लेस आपको इसमें उसकी एग्जम्पन मिल जाएगी अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की सेक्शन फोट फिफ्टी फोर की सेक्शन 54 फोर सी क्या है एनी पर्सन कोई भी यहाँ पे चाहे आप कोई भी कंपनी हो कोई इंडिविजुअल हो एच यू एफ हो इसमें कोई भी यहाँ पे आ, क्या कर सकते है? आपका टैक्स यहाँ पे आ, इसके लिए एग्जामशंस के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेगा और इसमें क्या बात कही गई है यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात करी गई है और नोटिफाई बॉन्ड की अगर आप किसी प्रकार के जो आपके एन एच ई आई के बॉन्ड हैं जैसे ठीक है और एन एच ए आई के बेसिकली ये बॉन्ड है तो इसके बॉन्ड में अगर आप किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एग्जम्सन्स आपको मिलती है सेक्शन फिफ्टी फोर ई सी के अंदर ठीक है ये यहाँ पे बोला गया है और इसके लिए कोई भी पार्टी यहाँ पे एलिजिबल रहेगी और टाइम लिमिट क्या है न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्स मंथ की यहाँ पे टाइम लिमिट है जैसा कि यहाँ पे था आपको न्यू इन्वेस्टमेंट कब करना है एक साल पहले या दो साल बाद या अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो हाउस तो आपको तीन साल के टाइम लिमिट थे बट यहाँ पे आपको न्यू इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ेगी वो सिक्स मंथ्स के अंदर यहाँ पे करनी पड़ेगी और आप नोटिफाइड बॉन्ड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ठीक है फिर है एग्जम्पन्स की लिमिट आपकी क्या है इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर यहाँ पर भी वही बोली है अगर आपने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की है और आपको टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ है दोनों में से जो लोअर है उसके एग्जम्पन्स आपको मिल जाएगी और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50 लैक्स है 50 लैक्स से ज़्यादा की यहाँ पे एग्जम्शन नहीं मिलेगी ये बात थी हमारी 54 फोर के अंदर अब फिफ्टी फोर एफ के अंदर फिफ्टी फोर क्या है फिफ्टी फ़ोर बेसिकली आपके जो लैंड या प्लॉट जो है आपका आ, उस पर यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा अदर देन रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए उसके ट्रांसफर पे ही आपको यहाँ पे एग्जम्पन मिलेगी अगर रेजिडेंशियल हाउस है तो 54 के अंदर मिलेगा अदर देन रेजिडेंशियल हाउस है तो 54 एफ़ के अंदर यहाँ पे एग्जम्पन मिल जाएगी ठीक है ओके अब देखते हैं होल्डिंग कितनी होनी चाहिए टू इयर्स की यहाँ पे भी बोली है आपके पास होल्डिंग होनी चाहिए उसकी दो ईयर कम से कम आपने उसको अपने पास रखना है तो उसके बाद ही आप उसको बेच सकते हैं और रेजिडेंशियल हाउस आपको नया यहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा आपने क्या किया नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आपने सेल किया और उसके बाद आप खरीदेंगे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ठीक है और उसकी लिमिट भी यहाँ पर वही दी गई है अगर आप वन ईयर बैकवर्ड और टू ईयर फॉरवर्ड यानी कि आप अगर आप आग नई जो रेजिडेंशियल हाउस है उसको बना हुआ परचेज करना चाहते हैं तो एक साल पहले या ट्रांसफ़र के दो साल बाद अगर आप नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र के तीन साल बाद आप उसको क्या कर सकते हो बना के रेडी कर सकते हो तभी आपको एक्जिम्पन्स यहाँ पे मिल पाएगी और यहाँ पे इसकी जो एग्जिम्पन्स की अमाउंट कितनी होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड से और डिवाइड कर देंगे सेल प्रोसीड ऑफ ओरिजिनल एसेट ये आपका या नेट कंसिड्रेशन आपका आ जाएगा तो इतना अमाउंट जो आपको एग्जाम्ट यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तो इसमें रिलेवेंट आपके लिए क्या है रिलेवेंट बेसिकली सेक्शन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा सेक्शन किस चीज़ के लिए चार्ज किया जाएगा फिफ्टी फोर एफ़ आपके किसके लिए चार्ज किया जा रहा है यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के सोल्ड करने पर फिफ्टी फोर ई सी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पर फिफ्टी फोर एफ़ अदर देन रेजिडेंशियल हाउस लैंड या प्लॉट इस पर और इसके अलावा किस चीज़ पर आपको इन्वेस्ट करना है वो करना है रेजिडेंशियल हाउस 54 के अंदर नोडिफाइड बॉन्ड जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड उसके अलावा सेक्शन 54 एफ में आपको नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना है उसके टाइम लिमिट ये भी यहाँ पर पूछा जाता है कौन सी कितनी टाइम लिमिट इसकी है तो ये आपके लिए रिलेवेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो जाती है इसके एग्जामशन से रिलेटेड बाकी जो जो सेक्शन है वो मैंने पूरी यहाँ पे जो फाइल बोली वो, वो मैं टेलीग्राम पे दूंगा उसकी मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं की है क्योंकि वो यहाँ पे अटैच नहीं हो पाई फाइल क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है ठीक है तो वो अटैच नहीं हो पाई इस पेज में इसके लिए मैंने उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है उसको आप जाकर देख सकते हैं अगर उस पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे वहाँ पर टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं और साथ में कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं तो गई ये था हमारा आज का टोटल जो कैपिटल गेन का चैप्टर था इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या देखी है हमने उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो हमने देखा था कि हमारी जो कैपिटल गेन कैपिटल नेचर की एसेट क्या होती है कैपिटल एसेट्स किसको हम बोलते हैं सबसे पहले वो हमने डिस्कस किया था उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारी कैपिटल गेन है वो कितने तरह की होती है बेसिकली दो तरह की हमने पढ़ी थी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी दो हमने कैटेगरी पढ़ी अंडर सेक्शन एक ए के अंदर कवर्ड या अदर देन अंडर सेक्शन वन ए ठीक है और उसके अंदर हमने रेट देखी डिफरेंट टाइप के रेट्स देखे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या रेट होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या रेट होती है उसके बाद उसकी कंप्यूटेशन देखी थी इसको कंप्यूट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा उसके बाद हमने उसकी इंडेक्सिंग कॉस्ट देखी कि जो बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंद से रिलेटेड होता है तो उसमें हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ती है इंडेक्सिंग किस तरह से की जाती है उसको हमने समझा उसके बाद हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो एग्जिमशंस हैं उसको यहाँ पे समझ लिया है तो इस तरह से आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है अगर आपको कोई डाउट है इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं राइट तो ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे अगर आप इसका जो आंसर है मैं टेलीग्राम पर शाम को पोस्ट कर दूँगा उससे पहले आप अपने जो नॉलेज को चेक करने के लिए आप आंसर दे सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी सी टू एटी यू इज अलाउड फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस रिफर टू इन द सेक्शन ट्रिपल वन ए क्या ये सही है या गलत है ठीक है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ठीक सुगज so इतना ही था आज के लिए अगर इसके एम सी क्यू की बात करें तो इसके एम सी क्यू हम डिस्कस करेंगे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाय